हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे तो नेनुआ या तोरई बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बच्चों क्या बड़ों को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बट खाना पड़ता है क्योंकि वो विटामिन से भरपूर होती है। तो चलिए आज वही नेनुआ की सब्ज़ी हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे बच्चे क्या बड़े दोनों ही इसको चाट चाट के खा जाएंगे। और ये इतनी टेस्टी है कि आप एक बार इस तरीके से बनाने के बाद हर बार इसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये टेस्टी नेनुआ की सब्ज़ी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो नेनुआ लिया है और इसको मैंने छील के इसको मैंने गोल गोल पीसेस में काट लिया है। पीसेस डिपेंड करते हैं कि आपका नेनुआ पतला है कि मोटा। अगर आपका नेनुआ बहुत ज़्यादा मोटा है तो इस तरीके से गोल गोल पीसेस मत काटिएगा, उसको बीच में से दो टुकड़ों में काट लीजिएगा। अगर नेनुआ का साइज़ पतला पतला है तो इस तरीके से हम लोग इसको गोल गोल से पीसेस में काट लेते हैं। तो ये नेनुआ हम लोग ने सारा काट के रखा हुआ है। अब इसमें कौन सा मसाला डालना है अब वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने एक छोटे वाले मिक्सी में एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके यहाँ पे डाल दिया है और उसके साथ ही हम लोग डालेंगे करीब एक इंच अदरक का टुकड़ा और करीब 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हम लोग इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे इसमें करीब 6 से 7 काजू के पीसेस। काजू अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप 2 से 3 बड़े चम्मच मूंगफली भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको डाल के हम लोग एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और अब कढ़ाई में डालेंगे हम लोग तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सरसों के दाने। तो ये जब अच्छे से हमारा चटकने लगेगा तो हम लोग इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज को बारीक चॉप करके हम लोग इसमें डाल देंगे और प्याज को हम लोग को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम लोग प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक भूंज लेते हैं, इससे जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये देखिए प्याज अब हमारी भूंज गई है। तो हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ है उसको अब हम लोग इसमें डाल देते हैं और इसको भी उसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम लोग भूंज लेते हैं। तो ये मसाला भी अब अच्छे से भूंज गया है। तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। तो टमाटर को भी डाल के इसमें हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाए हम लोग इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। तो ये देखिए टमाटर हल्का हल्का सा गल गया है, तो इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले में मैंने यूज़ किया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में हम लोग डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। और इसी के साथ हम लोग इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्ज़ी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे नमक और इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो मसाला है बहुत ही सूखा सूखा हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे जिससे जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। तो धीमी आंच में हम लोग मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। तो मसाला अब अच्छे से पक गया है तो अब हम लोग इसमें डाल देंगे जो नेनुआ हम लोग ने काट के रखा हुआ था उसको अब डाल के इसमें हम लोग कर देते हैं मिक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ध्यान रखिएगा नेनुआ में बहुत ज़्यादा पानी हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि नेनुआ जब गलता है तब वो भी पानी थोड़ा सा छोड़ देता है। अगर आप यहाँ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो नेनुआ है वो बहुत ही पनीला सा हो जाएगा, बिल्कुल पानी पानी सा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के ढक के हम लोग इसको बिल्कुल धीमी आँच में पकाएंगे। तो 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे जो नेनुआ है वो अब हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इस सब्जी को देख के ही आपको खाने का मन कर रहा होगा क्योंकि ये जो रेगुलर सब्जी हम लोग बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो सबसे लास्ट में हम लोग डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको डाल के इसमें मिक्स कर देते हैं। अब 1 मिनट और इसको पका लेते हैं
और उसके बाद हम लोग गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ़। तो इस सब्जी को आप लोग पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, सबके साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो नेनुआ की सब्ज़ी में इस तरीके का थोड़ा सा वेरिएशन आप लोग करके बनाइए, आपको डेफिनेटली नेनुआ बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।